कोटा के वार्ड नंबर 6 में एकता प्रतिष्ठान ने थानेदार संपन्न चौहान को दिए निवेदन में सोमवार 13 सितंबर को शहर के नांदोरी चौक पर नई पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। यह चौक क्षेत्र के सबसे व्यस्त और व्यस्ततम चौक के रूप में जाना जाता है। इस सड़क पर ग्रामीण क्षेत्र और स्कूल, मंगल कार्यालय, छात्रावास, बैंक आदि को जोड़ने वाली सड़क है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नई पुलिस चौकी आवश्यक है। एकता प्रतिष्ठान ने थानेदार संपन्न चौहान को दिए एक निवेदन में नंदोरी चौक पर एक नई पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। निवेदन देते वक्त संदेश शुल, साहिल कामले, प्रज्वल मेंडी, हिमांशु रंगारी, अजित कामले, वृषभ इंदुरकर, चेतन घुसे, अखिल धाबरदे आदि उपस्थित थे। एकता प्रतिष्ठान प्रभाग क्रमांक 6 संपूर्ण कार्यकर्ते आज पोलीस स्टेशन हिंगणघाटला एक निवेदन घेऊन आले आहेत। आम्ही त्यांना निवेदनमध्ये विनंती अशी केली आहे की मागच्या काही काळामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण प्रभाग क्रमांक 6 जो काही एरिया आहे जिथून सुरुवात होते ती म्हणजे नंदुरी चौक, तिथे फार जास्त प्रमाणात गांजाची विक्री होत आहे आणि चाकूचोरी बाळगणारे पण आढळत आहे। काही दिवसांपूर्वी जे आपले स्वतःचे रक्षक आहे जे आपण ज्यांना पोलीस म्हणून संबोधतो त्यांच्यावरसुद्धा गोळीबाराचं प्रमाण झालं आहे। त्या ठिकाणी आणखी प्राध्यापिकेचं दळी हत्याकांड पण आपण संपूर्ण भारत देशाने पाहिलं आहे ते दळी हत्याकांड। त्याबरोबर भरपूर सारे मंगल पुण्यस्थळ आहे, आणखी बँकेसारखे संस्थाने आहे, वसतिगृह आहे, इत्यादी प्रकारे भरपूर सारे आहेत। तर त्या ठिकाणी BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येरोडकर की रिपोर्ट।